गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर प्लेलिस्ट के अंतर्गत अपन नेक्स्ट लेक्चर अपन पढ़ेंगे। कनेक्शंस के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे, बोल्टेड कनेक्शन में अपन पढ़ लिया था। सेकंड कनेक्शन को अपन डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, सेकंड कनेक्शन अपना वेल्डेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन के बारे में अपन को आज स्टडी करना है। देखो, वेल्डिंग दो तरह की होती है, एक होती है गैस वेल्डिंग, ठीक है, एक होती है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। अब मेनली जो वेल्डिंग के जो ये क्या हो गए, मेथड्स हो गए, ठीक है। वेल्डिंग इज मेथड ऑफ कनेक्टिंग पीस ऑफ मेटल बाई हीटिंग प्लास्टिक इन फ्लूइड स्टेट। यानी जब भी अपन वेल्डिंग करते हैं तो उसके अंदर अपन ने देखा है कि जब भी अपन इसके अंदर वर्कशॉप में भी अपन ने वेल्डिंग होते हुए देखा है, तो क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले जो मटेरियल है उसको वहाँ से क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। कोई भी दो मेम्बर यदि अपन को कनेक्ट करना है तो उनके जो पहले ये जो दोनों पार्ट हैं इनको गर्म किया जाता है, ठीक है। एक वेल्डिंग मटेरियल होता है उसको यहाँ पर मेल्ट करके इसके ऊपर क्या किया जाता है, कनेक्टेड किया जाता है। तो ये जो कनेक्शन होता है प्लास्टिक स्टेट या फिर फ्लूइड स्टेट के अंतर्गत ही होता है। और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जब अपन करते हैं या फिर गैस वेल्डिंग करते हैं, गैस वेल्डिंग के अंतर्गत जो गैस यूज़ की जाती है वो होती है एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग यूज टू कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ स्टील इन स्ट्रक्चर। मेनली जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है वही अपन यूज़ की जाती है। देखो, वेल्डेड कनेक्शन के क्या एडवांटेज हैं अपन को ये देखना है सबसे पहले, तो बोल्टेड कनेक्शन के ओवर। तो देखो, बोल्टेड कनेक्शन के अपन को क्या है, होल करना पड़ता है, लेकिन वेल्डिंग के अंदर ऐसा अपन को होल नहीं करना पड़ता है, जिससे क्या है कि उसका जो नेट एरिया है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस में नहीं आता है, तो इसलिए इफेक्टिव एरिया क्या रहता है, हाई रहता है, और स्ट्रेंथ क्या रहती है, हाई रहती है। लेस वेट एज़ कम्पेयर टू बोल्टेड कनेक्शन। भाई बोल्टेड के अंतर्गत एक्स्ट्रा बोल्ट अपन को अप्लाई करने पड़ते हैं, उससे क्या होता है स्ट्रक्चर का वेट बढ़ जाता है कनेक्शन का, जो कि वेल्डिंग के अंतर्गत नहीं होता है। जॉइंट रिजिड होता है, बोल्टेड की तरह नहीं होता है। यदि बाई चांस डायनेमिक लोडिंग है जो आती है नॉर्मल बोल्ट से, तो क्या होता है बोल्ट लूज हो जाते हैं, ठीक है। देखने में अच्छा लगता है, बेटर अपीरेंस होती है। वेल्डिंग में नॉइज पोल्यूशन कम होता है, प्रोसेस क्विक है, प्रोवाइड वाटर टाइट एंड एयर टाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पानी के और एयर के लीकेज भी नहीं होता है इसमें। फिर इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि क्या है, इट इज़ रिक्वायर्ड स्किल लेबर, यानी कि वेल्डिंग है वो बहुत ही स्किल लेबर के द्वारा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं यदि अपन को साइज़ की रिक्वायरमेंट 5 mm हो तो वहाँ 4 mm हो गया हो, या फिर बीच के अंदर कोई स्पेस या वॉइड जनरेट हो गया हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉस्टली इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली वेल्डिंग की जो इक्विपमेंट है वो बहुत कॉस्टली होते हैं। बोल्ट कनेक्शन में क्या है, सीधा अपन को चैजल्स, हैमर्स, प्लायर की ज़रूरत पड़ती है सीधा ही। वेल्डेड जॉइंट्स आर ब्रिटल एंड हैव लेस फटिग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो फटिग स्ट्रेंथ का मतलब होता है जब भी अपन रिवर्सिबल स्ट्रेसेस की बात करते हैं या फिर डायनेमिक लोड की बात करते हैं, तो ये जॉइंट क्या होता है, ब्रिटल होता है। और जो ब्रिटल लोड होते हैं वो सडन या इम्पैक्ट लोड की क्या हो जाते हैं, फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये इसका मेन डेट्स वर्ड एंड एडवांटेज हो गए वेल्डेड कनेक्शन के। उसके बाद अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंटेड, तो ठीक है। तो ये कुछ जॉइंट्स के टाइप बताए हुए हैं, जैसे कि फ्लिट वेल्ड, बट वेल्ड, स्लॉट वेल्ड, प्लग वेल्ड, ठीक है। तो फ्लट वेल्ड जो है वो मेन बेसिकली क्या होता है, लैप जॉइंट की तरह ही होता है, ठीक है। जैसे अपन ने बोल्डर कनेक्शन के अंदर देखा था कि दो प्लेट हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रख के देना है, यानी कि लैपिंग करवानी है, ओवरलैपिंग इनकेज करानी है। तो ये जो पोर्शन है इसका, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन हो गया वो वेल्ड हो गया, या फिर इधर भी दोनों साइड में यदि इस तरह भी स्पेस है अपन करने को, तो इस तरह का जो जॉइंट होगा, यानी दोनों प्लेट एक दूसरे के ऊपर जब रखी हुई होंगी, तो उस जॉइंट को अपन क्या कहेंगे, फ्लैट जॉइंट। अब इसी जॉइंट को अपन बोल्डर कनेक्शन के अंदर क्या कहते हैं, लैप जॉइंट कहते हैं। फिर सेकेंड आता है अपना बट वेल्ड, ठीक है। तो बट वेल्ड में क्या होता है, बट वेल्ड का मतलब होता है कि जब दोनों जो प्लेट हैं, दो जो प्लेट हैं उनको आपस में एक दूसरे के क्या रखना है, सामने रखना है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ दैट, ठीक है। तो यहाँ जो कनेक्शन होगा, यानी कि अपन को देख रहे होंगे ये दो प्लेट हैं, ठीक है, इन दो प्लेटों को आमने सामने रख के इनके बीच में यदि अपन को ज्वाइंट करना है, तो वो जो ज्वाइंट होता है वो होता है बट वेल्ड। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि आपने बताया इन कि अब जैसे एक साइड से अपन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए नीचे की सरफेस में अपनी मतलब अप्रोच नहीं है, यानी कि अपन पहुंच नहीं सकते वेल्डिंग करने के लिए, तो अपन क्या वन साइडेड से करना पड़ता है। वन साइडेड से जब वेल्डिंग करती है तो उसको क्या होता है, नीचे तक पूरी तरह फिल नहीं हो पाती है, तो इसको अपन कहते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। और इस केस में अपन जो ये थिकनेस है, ठीक है, वेल्डिंग की जो थिकनेस है, साइज जो है टी, उसको अपन एज्यूम करके चलते हैं 5/8 ऑफ टी मिनिमम। टी मिनिमम क्या होगा, दोनों प्लेट हैं इनकी यदि डिफरेंट साइज है तो उसमें से मिनिमम लेनी है। तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन को एग्जाम्पल से सिंगल वी, सिंगल यू, सिंगल जे कनेक्शन। और वहीं यदि अपन के पास दोनों तरफ से अवेलेबल हो जाता है, स्पेस अवेलेबल हो दोनों तरफ से वेल्डिंग करने का, तो उस तरह के जो कनेक्शन अपन को कहते हैं कंप्लीट पेनिट्रेशन। उसके एग्जाम्पल में से बी, जी, यू, इनके अभी अपन एक डायग्राम बता देता हूँ मैं आपको कैसे होता है। देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि स्क्वायर बट वेल्ड वन साइडेड,
यानी कि दोनों तो एंड क्या है, स्क्वायर है इस केस में, तो अपन क्या कह दिए स्क्वायर वेल्ड, स्क्वायर बट वेल्ड बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ से अपन यदि पेनिट्रेशन किया हुआ है तो इस तरह से कम्प्लीटली फिल हो जाता है। उसी तरह यदि वी लेटर की तरह ये एक सिंगल साइड से बना हो तो सिंगल भी हो गया, तो अब इसी को अपन दोनों साइड से कर देते हैं डबल भी हो जाता है। ऐसे सिंगल यू यानी एक तरफ यू आकार होता है, इसको अपन डबल यू भी कर सकते हैं दोनों तरफ यू हो। ऐसे सिंगल जे जो अपन को ये जे दिख रहा है, ये लेटर जे की तरह भी है, तो ये हो गया जे। और यदि कोई ऐसा एंगल है जो ना तो जे है ना वी है ना यू है, उसको कोई अदर देन जैसे एंगल होता है उसको बोलते हैं सिंगल वेवल्ड। जैसे सिंगल वेवल्ड है डबल सिंगल जे सिंगल यू, इनको दो साइड से पेनिट्रेशन करते हैं तो क्या हो जाता है डबल जे डबल वी एंड डबल, तो ये जो कनेक्शन होता है वो होता है वेल्डेड कनेक्शन, जब दोनों प्लेटों को एक दूसरे के सामने रख के यदि वेल्डिंग किया जाता है। उसके बाद आते हैं अपन स्लॉट वेल्डेड। स्लॉट वेल्डिंग देखो, स्लॉट वेल्डिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपन को यहाँ पर वेल्ड करना है कोई भी ये सरफेस है, एक जो दो प्लेट हैं इन दोनों प्लेटों को आपस में वेल्ड करना है, एक प्लेट तो ये वाली है ठीक है, इस प्लेट के ऊपर इस दूसरी प्लेट को अपन को क्या कराना है वेल्ड करना है। तो कई बार क्या होता है कि अपन को यदि लेंथ ऑफ बेल्ट क्या हो जाती है कम हो जाती है, इफेक्टिव रिक्वायर्ड जो लेंथ है वो कम पड़ जाती है, यानी मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो वेल्डिंग लेंथ है अपन में बात करते हैं, अपन यदि जैसे वेल्डिंग लेंथ की अपन बात करते हैं ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो वेल्डिंग लेंथ अवेलेबल है वो ये डिस्टेंस अपन को अवेलेबल है, यहाँ पर अपन वेल्डिंग कर सकते हैं। तो इन केस यदि ये लेंथ सफिशियंट नहीं है तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं इस तरह से प्लेट को कट कर देते हैं, तो इस ये जो पार्ट है ठीक है, तो अपन क्या इस तरह से स्लॉट इसके अंदर का जनरेट कर देते हैं, और इससे इसकी क्या टोटल जो लेंथ है वेल्डिंग की वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये तरह इस तरह से जो कनेक्शन किया जाता है लैप जॉइंट के अंतर्गत उसको अपन क्या कहते हैं स्लॉट वेल्डेड ठीक है। इसका एक सिमिलर और होता है प्लग वेल्ड। प्लग वेल्ड में क्या होता है इसकी वही ये भी उसी केस में की जाती है जब क्या होता है सफिशियंट लेंथ अवेलेबल नहीं, तो अपन क्या करते हैं प्लेट के अंदर कुछ होल्स कर देते हैं, अभी स्क्वायर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है, लेकिन अपन को ये रखना है कि प्लग और ये स्लॉट जो होते हैं ठीक है, ये प्लग जो होते हैं इनको कम्प्लीट फिल किया जाता है वेल्डिंग से ठीक है। तो इस तरह का यदि कोई जॉइंट होगा तो वो क्या हो जाएगा प्लग वेल्ड हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं डिज़ाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं डिज़ाइन ऑफ फ्लैट वेल्ड। फ्लैट वेल्ड की डिज़ाइन अपन किस तरह से करेंगे, यहाँ अपन को एक दो सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है डिज़ाइन ऑफ फ्लैट वेल्ड की अपन बात कर रहे हैं। डिज़ाइन ऑफ फ्लैट वेल्ड ये एक प्लेट ये है जो अपन वर्टिकली है, और एक प्लेट क्या है एक हॉरिजॉन्टल, इन दोनों के बीच में अपन ने क्या किया है ये वाला जो पोर्सन है वो वेल्ड किया हुआ है ठीक है। तो इसके अंदर का जो थ्रोट थिकनेस होती है, यानी कि ये देखो ये वेल्डिंग का जो ट्राइंगल बनता है, हमेशा इस बात को याद रखना है कि ये जो अपन ने वेल्डिंग किया है इस पोर्सन के अंतर्गत जो थ्रॉट थिकनेस होती है वो इसके डायगनल होती है, ये डायगनल जो लेंथ होती है, क्योंकि अपन को पता है कि जो फेलियर होता है वो हमेशा सीयर प्लेन के अंतर्गत होता है, तो अपन ये डायगनली लेंथ देते हैं ठीक है। और ऐसा नॉर्मली माना जाता है कि मान लीजिए ये एंगल ये दोनों साइड इक्वल हैं, या ये जो वेल्डिंग का जो ट्राइंगल है ठीक है, इसके अपन जो साइड्स होती हैं दोनों जो साइड्स होती हैं अपन साइड्स को अपन बोलते हैं साइज ऑफ द बेल्ट ठीक है। और इसका जो डायगनली जो लेंथ होती है इसको अपन बोलते हैं इसका थ्रॉट थिकनेस, थ्रॉट थिकनेस ठीक है। तो साइज ऑफ बेल्ट क्या होगी इस ट्राइंगल का साइड्स जो भी साइड होगा, अब इसमें से हो सकता है दोनों इक्वल भी हों या दोनों अलग अलग भी हों, तो इसको जो मिनिमम होगा वो उसको अपन कंसीडर करके चलेंगे। और ये जो फेसेस हैं जैसे कि ये वाला जो फेस है ऊपर, एक फेस तो ये हो गया ऊपर वाला और एक फेस हो गया ये वाला ठीक है। तो इन दोनों के यदि बीच में जो एंगल जो होता है दोनों सर्फेस के बीच में जो एंगल होता है इसको अपन बोलते हैं फ्यूजन एंगल। क्या बोलते हैं भी फ्यूजन एंगल, यानी कि ये तो हो गया दो फ्यूजन फेस ये वाला और ये वाला, तो इसको अपन क्या बोलते हैं फ्यूजन एंगल। तो हमेशा जो थ्रॉट थिकनेस है, जो थ्रॉट थिकनेस है ये जो थ्रॉट थिकनेस है यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है बट डायगोनली जो डिस्टेंस लेंथ है वो हमेशा डिपेंड करती है फ्यूजन एंगल के ऊपर ठीक है। तो इसको भी अपन आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। फ्लैट वेल्ड इज़ यूज टू कनेक्ट नॉर्मली द लैप जॉइंट। तो फ्लैट वेल्ड कहाँ यूज़ करें, जहाँ अपन एक प्लेट दूसरे के ऊपर ओवरलेप कर रही है, और हो सकता है ये प्लेट इस तरह से ओवरलेप कर रही है या फिर इस तरह से किसी भी तरह से कर सकती है। द फ्लैट वेल्ड वेल्ड यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, इट प्रोवाइड व्हेन द कनेक्शन इंटरसेक्ट द राइट एंगल इट इज़ ए ट्राइंगल ऑफ ए सेक्शन। हाँ, तो ये वही बता रहा है कि ये फ्यूजन एंगल इनके बीच में है, ये हो सकता है कि जो परपेंडिकुलर हो या तो राइट एंगल के ऊपर हो या थोड़ा बहुत कुछ और भी एंगल हो सकता है। तो थ्रॉट थिकनेस जब अपन मेजर करते हैं तो ये क्या होती है टी इज़ द मिनिमम डायमेंशन ऑफ फ्लैट वेल्ड। देखो ये यहाँ पर अपन को दिख रही है ये वाली जो टी है ये है अपनी थ्रॉट थिकनेस। तो इट इज़ अज्यूम दैट फ्लैट वेल्ड ऑलवेज ऑफर रेजिस्टेंस फ्रॉम टू द शियर ठीक है। द थ्रॉट थिकनेस टी इज मिनिमम डायमेंशन ऑफ फ्लैट वेल्ड, ये अपन ने देख लिया था अपने डायग्राम से अंदर। उसके अपन बात मानते हैं कि इट अज्यूम दैट फ्लैट वेल्ड ऑलवेज ऑफ रेजिस्टेंस इन टू द शियर, क्योंकि ये जो प्लेन बन रहा था अभी अपना जो प्लेन बना हुआ है
भाई ये जो ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल के अंतर्गत अपन ने दोनों साइड तो हो गई, वो साइड हो गई और ये जो पोर्शन है वो हो गया थ्रोट। तो हमें सब अपने मान के चलते हैं कि ये जो कनेक्शन है वो शियर के अंतर्गत फेलियर होता है। तो अपन को देखना है कि रेजिस्टेंस सबसे मैक्सिमम जो होता है ना वो शियर के कौन होता है, तो अपन इसी को कंसीडर कर देते हैं। द फ्लैट वेल शुड नॉट बी एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस विथ लेस देन 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। ये अपन को कोड के अंदर मैंशन किया हुआ है कि ये जो दोनों ये जो फ्यूजन फेसेस हैं, अब ये दो फ्यूजन फेस हो गए इसके, ये वाला एंड ये वाला, तो इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री से तो कम नहीं होना चाहिए एंड नॉट ग्रेटर देन 120। और थ्रोट थिकनेस जो होगी वो होती है अपनी के इंटू वेल्ड साइज। तो एस तो क्या होगी, साइज ऑफ द वेल्ड जो कि इस एंगल के अंतर्गत मैंने मैंशन किया हुआ है पहले से ही, ठीक है। और ये जो हो गया थ्रोट थिकनेस, इसको एक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं के से, ठीक है। और जो के की जो वैल्यू है, के जो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, के इज द कॉन्स्टेंट, इसको ये इसकी वैल्यू डिपेंड करती है फ्यूजन एंगल के ऊपर। ये जो एंगल है इन दोनों के बीच के एंगल, यदि इसका एंगल 60 to 90 डिग्री होता है तो इसकी वैल्यू 0.70 होती है, जो कि नॉर्मली केस में होती है। और यदि अपन को फ्यूजन फेस का एंगल बीच कर दिया भी नहीं रहता है तो अभी अपन इस वैल्यू को ही कंसिडर करके आगे चलते हैं। फिर होता है 91 डिग्री से 100.65, 101 से 60.60, तो ये सेम टेबल आपको कोड के अंतर्गत ही मिल जाएगी जो भी अपन देख। ये देखिए अपना IS 800-2007 जो है उसके अंतर्गत ही अपन देखते हैं, पेज नंबर 78 पे देखा हुआ है वेल्डिंग वेल्डिंग, ठीक है। तो इसके अंदर अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपन फ्यूजन एंगल की बात करें तो यहाँ पर के की डिफरेंट एंगल्स के लिए वैल्यूज़ दी हुई है, जो सेम वैल्यू मैंने अपन टेबल में अपन को बताई थी 60 to 90, ये वैल्यूज़ होगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो डेटा है वेल्डेड कनेक्शन से रिलेटेड वो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे एंड रिटर्न क्या होता है, लैप ज्वाइंट क्या होता है, ठीक है। इसकी भी स्टडी अपन आगे करेंगे, मैं आगे आपको बताता हूँ, मैंने मैग्नीफाइंग मिलकर लिखा हुआ है। तो ये टेबल अपन फ्यूजन एंगल वाली टेबल हो गई। फिर अपन बात करते हैं मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट, ठीक है, ये भी अगेन पेज नंबर 78 पे दिया हुआ है। सबसे पहले तो अपन को ये याद रखना है कि जो मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट है, ठीक है, मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट है, इसकी डिपेंडेंसी होती है थिकर प्लेट पे। अपन को हमेशा याद रखना है मिनिमम साइज यानी कि रिलेटेड टू थिकर प्लेट, थिकर प्लेट यानी कि जिस प्लेट की थिकनेस ज़्यादा है। तो यदि थिकर प्लेट की जो थिकनेस है वो 10 mm से अप टू 10 mm है तो उसके लिए मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट 3 mm होना चाहिए, 11 to 25 mm। दिस ये भी आपको टेबल देखो, ये जो टेबल है टेबल नंबर 21 यहाँ पे दिया हुआ है कि थिकनेस ऑफ द थिकर प्लेट अप टू 10 mm, दिस इज 3, 10 to 25 mm। तो इस तरह से अपन को ये देख लेना है कि मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट कितनी होगी। सेकेंड जो अपन देखते हैं मैक्सिमम साइज ऑफ द बेल्ट, ठीक है, मिनिमम साइज अपन जो देखी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, थिकर प्लेट के ऊपर। तो मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट इसकी डिपेंडेंसी होती है थिनर प्लेट, यानी कि जस्ट रिवर्स कर देना इसको, थिनर प्लेट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, थिकनेस ऑफ प्लेट कंसीडर। अब देखो, अब आप इसमें दो केस हो सकते हैं, या एक तो क्या होता है कि ये अपना जो एज है वो क्या है एकदम परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर केस में तो अपन क्या करेंगे, जो बेल्ट साइज है, ठीक है, जो ये बेल्ट साइज है वो क्या कर देंगे, माइनस के 1.5 mm एंड थिकनेस ऑफ प्लेट माइनस के 1.5 mm, यदि इसकी थिकनेस टी है उसमें से 1.5 माइनस कर देंगे। अब दूसरा केस होता है यदि अपन कोई रूरल सेक्शन इसके अंतर्गत यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके कॉर्नर क्या है, यदि ये राउंडेड कॉर्नर है तो राउंडेड केस में अपन क्या यूज़ करते हैं, इसको शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3/4 ऑफ टी, ठीक है, 3/4 थिकनेस ऑफ एलिमेंट, और थिकनेस क्या होगी, ये वाली थिकनेस होगी इसके अंतर्गत जो अपन को मेजर करनी है। तो अपने अपने देख लिया मैक्सिमम साइज ऑफ द, मिनिमम साइज डिपेंड करती है थिकर प्लेट के ऊपर और मैक्सिमम साइज डिपेंड करती है थिनर प्लेट के ऊपर, यदि स्क्वायर एज है या फिर राउंड एज है, दोनों के अकॉर्डिंग अपन वैल्यू पुट कर लेंगे। फिर बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेल्ट। इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट क्या होती है कि कोई भी एक कनेक्शन है, ठीक है, तो उसके लिए इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी। तो यदि मान लिया कि मैंने एल लेंथ के ऊपर बेल्ट किया हुआ है, ठीक है, और रिक्वायर्ड साइज मेरे को यदि मान लिया कि मैंने कि 8 mm रिक्वायर्ड बेल्ट साइज थी, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि जहाँ से मैं वेल्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ वहीं से मेरे को ये थिकनेस पूरी मिल जाए एस। तो इसको अपन देखते हैं कि इसको जो इफेक्टिव लेंथ है उसमें से दोनों साइड से एस एस साइज अपन रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि एक्चुअल लेंथ ऑफ बेल्ट मेरी एल है तो इफेक्टिव साइज मतलब इफेक्टिव बेल्ट लेंथ क्या होगी, एल माइनस 2s, ठीक है। फिर बात करते हैं इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, देखो थ्रोट एरिया यानी कि अपन ने जो ट्राइंगल लिया था, अगेन अगेन अपन याद रखना है कि ये जो थ्रोट एरिया है तो इस सरफेस का मेरे को एरिया लेना है। तो एक तो क्या करूँगा, थ्रोट थिकनेस इंटू लेंथ ऑफ द बेल्ट, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट क्या होगी, इफेक्टिव लेंथ, तो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया बेल्ट निकालना है अपन को। तो क्या करेंगे, थ्रोट एरिया, थ्रोट एरिया क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेल्ट, जितनी भी लेंथ होगी बेल्ट की उसका मल्टीप्लाई कर देंगे अपन थ्रोट थिकनेस से, तो यहाँ से आ जाएगा एरिया। उसके बाद अपन निकालते हैं लोअर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बेल्ट। तो लोअर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बेल्ट क्या होगी भाई, अपन को क्या करना है, देखो सब जो भी
कोई भी स्ट्रेंथ हो, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बेल्ट, कोई भी स्ट्रेंथ हो, स्ट्रेंथ के अंदर क्या होगा, एक तो स्ट्रेस आएगा और एक आएगा एरिया। तो वेयर एफ ई डब्ल्यू द परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन बेल्ट एंड ए डब्ल्यू द इफेक्टिव एरिया ऑफ द बेल्ट। तो एरिया अपन ने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, और एफ डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू एस एम के अंदर तो डायरेक्टली 110 होता है, लिमिट स्टेट के अंदर एफ ई डब्ल्यू एन गामा एम डब्ल्यू। वेयर एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ यू अपर, देखो शेयर होता है तो रूट थ्री ऑलवेज आएगा हमेशा, ठीक है। और ये आ जाएगा पार्शियल फैक्टर सेफ्टी मटेरियल फॉर बेल्ट। यदि ये बेल्डिंग अपने शॉप पे किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बेहतर क्वालिटी कंट्रोल होता है, इसलिए तो इसकी वैल्यू कम होती है। यदि फील्ड में अपन बेल्डिंग करते हैं तो इसकी वैल्यू 1.50 होती है। देन शेयरिंग स्ट्रेंथ क्या होगी भाई, स्ट्रेस जो, ये तो क्या हो गया परमिसिबल स्ट्रेस इंटू थ्रॉट एरिया, ठीक है। तो थ्रॉट एरिया क्या होगा, एल इफेक्टिव इंटू थ्रॉट थिकनेस। तो अपन यहाँ से शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बेल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली। फिर अपन बात करते हैं इंटरमीडिएट या फिर डिसकंटिन्यूस बेल्ट, पिच और सो बेल्ट। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, जब अपने पास क्या है कि इफेक्टिव जो लेंथ अपन को जो रिक्वायर्ड है वो, उसकी वैल्यू यदि कम है और अपने पास एरिया ज़्यादा है, यानी कि अपने पास लेंथ ज़्यादा अवेलेबल है, तो उस केस में क्या करेंगे, देखो थ्रू आउट द बेल्ट नहीं करते हैं, क्या करते हैं मतलब पूरे पोर्शन को अपन बेल्डेड नहीं करते भाई, भाई अपन में ऐसा नहीं करते भाई पूरी लेंथ में बेल्ट किया, क्योंकि इसकी भी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। इवन को लेंथ रिक्वायर्ड कम है तो अपन क्या करते हैं, स्पेस छोड़ छोड़ के यानी इंटरमीडिएट बेल्डिंग करते हैं। तो इंटरमीडिएट बेल्डिंग के अंदर का हमें याद रखना है कि ये जो स्पेसिंग है इन दोनों बेल्ट के बीच की जो स्पेसिंग है वो 12T और 200 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ कंप्रेशन। और यदि टेंशन है तो टेंशन केस में ये 16T और 200 mm इसको मेजर किया जाता है। तो फॉर कंप्रेशन जोन के लिए क्या हो गया भाई, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है मैक्सिमम पिच कितनी हो सकती है 20 और 200 विच एवर इज लेस, एंड सेम इन टेंशन जोन मैक्सिमम पिच विल बी 16T और 200 mm थिकनेस विच एवर इज लेस। उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल सीधे, एग्जांपल देख लेते हैं। डिजाइन ए फ्लैट वेल्ड फॉर ए लैप जॉइंट टू कनेक्ट टू प्लेट्स साइज 100 mm बाई 16 mm एंड 80 mm बाई 10 mm सो एज टू ट्रांसमिट ए फैक्ट्री लोड ऑफ 200 kN द प्लेट्स और द ग्रेड ऑफ एफ ई 410, ठीक है। तो अपन को सबसे पहले डिसाइड करना है साइज ऑफ द बेल्ट। तो देखो मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट क्या होगी, देखो इसकी डिपेंडेंसी जो थी मैंने पहले ही बताई थी किसके ऊपर होती है, थिकर प्लेट के ऊपर होती है डिपेंडेंस, किसके ऊपर, थिकर प्लेट। अब थिकर प्लेट देखिए, एक तो अपन को दिख रहा है 16 mm, एक दिख रहा है 10 mm, तो थिकर क्या हो गया 16 mm। तो 16 mm के लिए अपन देखा था 10 to 20 जो था, तो 20 जो था साइज ऑफ बेल्ट कितना होना चाहिए 5 mm। उसके बाद अपन बात करेंगे मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट, मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट को क्या है, कोई भी एंगल सेक्शन नहीं दिया हुआ है, यानी कि एज क्या होगा इसका स्क्वायर होगा। तो जब भी एज स्क्वायर होगा तो उस केस में क्या करेंगे, टी माइनस 1.5। और हमेशा याद रखना है कि मैक्सिमम साइज है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थिनर प्लेट यानी कि मिनिमम थिकनेस। तो मिनिमम थिकनेस कितनी, 10, 10 - 1.5 दैट इज 8.5। तो अपन को भी डिसाइड करना है कि 5 mm से तो ज़्यादा होनी चाहिए और 8.5 mm से क्या होनी चाहिए, लेस वैल्यू होनी चाहिए। तो हैंस लेट अस अज्यूम द साइज ऑफ बेल्ट इज 6 mm। उसके बाद अपन बात करते हैं थ्रॉट थिकनेस, थ्रॉट थिकनेस क्या होती है, K into S, K क्या होता है एंगल, डिपेंडेंसी होती है किसके ऊपर, फ्यूजन एंगल के ऊपर। और देखो अपन को यहाँ पे एंगल मेजर कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ उसने, तो जब भी मेजर नहीं किया हुआ तो अपन डायरेक्टली 90 डिग्री अज्यूम करेंगे और वैल्यू हो जाएगी उसके लिए 0.7, तो दिस इज 4.2। तो ये तो आ गया थ्रॉट थिकनेस। उसके बाद अपन को मेनली जो फाइंड आउट करना होता है वो होता है लेंथ ऑफ द बेल्ट पर mm लेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ अपन को निकालनी है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला पढ़ा है अपने सीधा ही, परमिसिबल स्ट्रेस इनटू एरिया। तो दिस इज द परमिसिबल स्ट्रेस, एफ की वैल्यू हो जाएगी 410 गामा एम डब्ल्यू। यदि सॉफ्ट बेल्ट है, अभी आप एज्यूम कर सकते हो एज्यूमिंग सॉफ्ट बेल्ट, तो एल डब्ल्यू इंटू टी टी, ठीक है। ये हो जाएगी पर लेंथ उसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो पर एम एम लेंथ की उसकी स्ट्रेंथ आ गई। तो अपन को यदि टोटल लेंथ चाहिए तो अपन क्या करेंगे, जितना ही फैक्टर लोड है, ठीक है, तो टोटल लेंथ अपन को निकालने के क्या करेंगे, फैक्टर लोड अपन डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ पर एम एम लेंथ। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, इसकी टोटल लेंथ, इसकी डिटेलिंग अपन बात करते हैं, ठीक है। तो ये अपनी क्या थी, 100 mm वाली प्लेट थी, उसके ऊपर इस प्लेट अपन को बेल्ट करवाना है। तो अभी अपनी थिकनेस आई है 360 mm, तो अपन ने क्या कर दिया, दोनों साइड 130 mm बेल्ट कर दिया। अब इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, ये तो हो गया अपना टू साइडेड बेल्ट, और इसको अपन क्या कर सकते हैं, थ्री साइडेड बेल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। थ्री साइडेड बेल्टिंग के लिए अपन क्या करेंगे, यदि अपन कोई ओवरलैपिंग कम करनी है भाई, इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो स्टील का जो मटेरियल है वो बच जाएगी, ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ तो ओवरलैपिंग कितनी दिख रही है, 130 mm, और सेकंड केस में अपन क्या, ये थिकनेस तो है ही, तो ये तो 80 mm कर दिया, 260 में से 80 को माइनस किया और जो रिमेनिंग बचा हुआ 180 है उसको अपन ने 90 अपन ने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। तो ऐसे अपन ये केस यूज कर सकते हैं। एक केस और भी होता है,
इसमें अपन को यदि एबली बनू पीछे की साइड भी बैक कर सकते हैं, यानी इस तरफ भी अपन यदि बेल्ट कर सकते हैं तो उस केस में इसकी ओवरलैपिंग लेंथ और भी कम हो सकती है। ठीक है, तो उस केस में 80 यहाँ हो जाएगी, 80 हो जाएगी, रिमेनिंग अपन यहाँ कर देंगे, ओवरलैपिंग लेंथ और भी कम हो सकती है उस केस में। यदि ये तभी हो सकता है लेकिन जब अपन दूसरी साइड जाके अपने पास स्पेस अवेलेबल हो वेल्डिंग करने के लिए। ठीक है, इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कैलकुलेट द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ गिवन प्लेट वेल्ड। देखो अब इसके अंदर आपको क्या, लेंथ उसने पहले ही मेजर दे दिया है। ठीक है, लेंथ दे दिया और साइज दे दिया, तो अल्टीमेटली कुछ क्या करना है, अब आप फाइंड आउट करना है कितना लोड को ये आसानी से कैरी कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, कुछ नहीं, डिजाइन स्ट्रेंथ का आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइएगा, एफ यू रूट थ्री गामा एम डब्ल्यू एल डब्ल्यू एल। देखो अब आपको एल डब्ल्यू भी इसने दिया हुआ, मेंशन किया हुआ सीधा, साइज ऑफ बेल्ट दिया हुआ, तो अपन क्या करेंगे, साइज ऑफ बेल्ट से थ्रोट थिकनेस निकाल लेंगे। ठीक है, एमएम में दिया है, मीटर में निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किलोमीटर में निकालिए, न्यूटन में निकालिए, जो भी आप करो। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने डायरेक्टली आंसर निकाल लिया इसका, पी डब्ल्यू ये आ गई इसकी परमानेंट लेंथ। और टोटल लेंथ कितनी है, 120, 120 तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा टोटल लेंथ से, तो ये आ गया आपका फैक्टर लोड अपन डिजाइन स्ट्रेंथ, तो हियर यू कैन कैलकुलेट। और एक्चुअल लोड निकालना है तो क्या कर देंगे, 1.5 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा। ठीक है, इसी तरह अपन उसके बाद अपन यदि बात करें कि यदि कोई एक गसक प्लेट है, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई गसक प्लेट है। ठीक है, इसके अपने दोनों तरफ क्या करना है, एंगल सेक्शन को कनेक्ट करना है इस तरह से, भाई ये दो एंगल सेक्शन को कनेक्ट किया। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, देखो यहाँ पर ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन का एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, इस तरफ क्या होता है, कम होता है। तो इस तरफ के कनेक्शन में अपन को देखना होता है कि जो दोनों तरफ की जो लेंथ है, भाई इस प्लेट के ऊपर जो अपने इसको बेल्ट किया हुआ है, इस प्लेट के ऊपर यदि मैंने कोई सेक्शन को इस तरह से बेल्ट किया हुआ है, ये एंगल सेक्शन को मैंने बेल्ट किया हुआ है। ठीक है, ये एंगल सेक्शन हो गया अपना, तो इस केस में जो इफेक्टिव लेंथ लेंथ ऑफ बेल्ट है वो अलग अलग होती है दोनों साइड में, इस तरफ कुछ डिफरेंट होगी और इस तरफ कम होगी, क्योंकि इस तरफ क्या है कि एक आउटस्टैंडिंग लेग भी होती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है एरिया, इसका भी एक न्यूमेरिकल अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है, ए टाई मेम्बर ऑफ रूट ट्रस कंसिस्ट ऑफ टू आई एस ए 105 mm 8 mm, द एंगल आर कनेक्टेड टू आइदर साइड ऑफ 10 mm गसेट प्लेट एंड द मेम्बर टू सब्जेक्ट ऑफ द वर्किंग पुल ऑफ 300 kN, डिजाइन द वेल्डेड कनेक्शन, एज्यूम कनेक्शन आर मेड इन द वर्कशॉप। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है, तो अपन को सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्या होगा, देखिएगा कि देखो जैसा कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन था कि ये एक गसेट प्लेट है। ठीक है, ये क्या एक गसेट प्लेट है, इसके साथ दो आई एस एंगल, ये एंगल सेक्शन हो गए, दो कनेक्टेड हैं, ये 10 mm गसेट प्लेट है और ये लोड कैरी कर रहा है कितना, 300 कर रहा है। ठीक है, तो ये तो अपन को आपको उसको दिख गया क्रॉस सेक्शन और ये दिख गया उसको अपन को साइड में। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन को अब देखो ये जो एंगल सेक्शन है अभी दो साइड में है, तो अपन आधा आधा कर लेंगे, तो अपन देख लेते हैं वन साइडेड का कनेक्शन। तो इसमें दो प्लेट हो गई, एक तो ये एंगल सेक्शन हो गया और एक गसेट प्लेट हो गया, इनके बीच का कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर साइज ऑफ बेल्ट डिसाइड करनी है, क्या डिसाइड करनी है, साइज ऑफ बेल्ट। और साइज ऑफ बेल्ट किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, मैक्सिमम थिकनेस देख लेते, मैक्सिमम साइज देख लेते हैं और मिनिमम साइज देख लेते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम साइज देखने के लिए अपन को देखना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर क्या, देखो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है आई एस ए 175 in 8, यानी एक लेग लेंथ L1 तो हुई 100, L2 हुई 75 एंड थिकनेस हो गई 8 mm, ये तो एंगल सेक्शन का डेटा हो गया, और गसेट प्लेट की थिकनेस हो गई 10 mm। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वर्किंग लोड देखो उसके अंदर दिया हुआ वर्किंग पुल, तो वर्किंग पुल को फैक्टर में कन्वर्ट किया तो 300 × 1.5 यानी 450 N। अब थिकनेस ऑफ बेल्ट की बात करते हैं, द राउंडेड टू एंगल सेक्शन साइज ऑफ बेल्ट शुड नॉट बी एक्सीड, यानी कि एज क्या दिया हुआ, राउंडेड दिया हुआ है, तो उसकी मैक्सिमम थिकनेस कितनी हो सकती है भाई, थिनर प्लेट के ऊपर डिपेंड करेगी, तो 8 जो है तो 3/4 ऑफ 8 यानी 6 mm। फिर अपन बात करते हैं टॉप साइड की, ठीक है भाई जो कनेक्शन है वो अपन का टॉप साइड में भी तो है, दोनों साइड में कनेक्शन दिया हुआ है, यानी ये तो बात हो गई अपनी राउंडेड एज की, इस वाले पोर्शन की, तो यहाँ तो क्या हो गया मैक्सिमम साइज 3/4। अपन बात करते हैं यहाँ वाली, ठीक है, तो यहाँ भी अपन को क्या रखना है, यहाँ पर तो क्या है राउंडेड एज नहीं है, स्क्वायर एज है, स्क्वायर एज के केस में क्या कर देते हैं अपन 1.5। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एस इक्वल टू टी माइनस 1.5 देन 6 इज 6.5 हेंस प्रोवाइड। अब इन दोनों में से देख लेंगे कि मिनिमम कितनी होगी भाई, 6 mm। ठीक है, तो 6 mm, और उसी तरह से अपन वो देख सकते हैं कि इसकी जो मिनिमम साइज है बेल्ट, मिनिमम साइज करती है थिकर प्लेट ऊपर यानी कि 10 mm, तो 10 mm के इसमें अपन 5 mm, तो मिनिमम तो अपनी 3 mm होती है, तो 3 mm से ज़्यादा होनी चाहिए और 6 mm से कम होनी चाहिए, तो अपन 6 mm अपन कंसीडर कर लिया, दो एंगल सेक्शन अपन को दिए हैं, तो ईच एंगल कैरीज फैक्टर लोड कितना हो गया, 450 /
टू यानी 2 to 5। अब अपन ने किया कि लेंथ कितनी है, ठीक है। लेंथ ऑफ बेल्ट अपन ने मान ली कि लेट एल डब्ल्यू द टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट साइज, और एज्यूम नॉर्मिंग बेल्ट। अब देखो अपन को जो एंगल दिया वो अपन 90 डिग्री कंसीडर करके चलेंगे, तो के की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0.7 × 6। तो डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होती है भाई, मतलब एरिया ऑफ इफेक्टिव एरिया, तो एल डब्ल्यू इंटू टी, टी इज थे ऑफ थिकनेस, एफ यू अपन √3। अभी अपन उसने डायरेक्ट मेंशन कर दिया है कि वर्कशॉप, वर्कशॉप में यानी फील्ड नहीं है, तो फील्ड की इसलिए अपन क्या कर लेंगे 1.25। तो ये आ जाएगी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बेल्ट, जो कि अपन ने पहले फॉर्मूले के अंतर्गत पढ़ी हुई है, ठीक है। तो इस वैल्यू को सारी वैल्यू पुट करोगे आप, तो ये एल डब्ल्यू की वैल्यू जाएगी 283। क्या आ गया, 283 mm। इसको अपन ने इसके इक्वल में लिखा हुआ 2 to 5 × 10³, जो कि डिजाइन स्ट्रेंथ है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंगल सेक्शन है डिस्टेंस ऑफ 3 mm। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एंगल सेक्शन, यानी कि जो एंगल सेक्शन, ये वाला एंगल सेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, इसकी सेंटर ग्रेविटी दे रखी है सी एक्स एक्सिस्टेंस पर, ये अपन को स्टील टेबल से मिल जाएगी सी एक्स एक्स। तो कितनी दे रखी है, 31 mm पर दे रखी है। तो अपन क्या करेंगे, लेट द एल वन द टॉप ऑफ द लेंथ एंड एल टू द लेंथ ऑफ डोर बेल्ट। मैंने पहले बताया था कि जिस तरफ यानी कि आउटस्टैंडिंग लगेगा उस तरफ वेल्डिंग साइज ज़्यादा लेंगे, यानी कि एल वन लिया एंड सेकेंड साइड में लिया अपन ने एल टू। तो अपन को क्या करना है, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट इसका मोमेंट ले लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द टॉप बेल्ट इज एल टू एंड लेंथ ऑफ लोअर बेल्ट टू मेक द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेल्ट। तो एल वन, और इसके रेस्पेक्टेड यदि सी जी के अबाउट मैं यदि मोमेंट लेता हूँ, तो एल वन इंटू सी एक्स एक्स इक्वस टू, ये कितना होगा, एल टू इक्वस टू, अब टोटल कितनी है, टोटल तो ये अपन को दे रखा है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दे रखी है 100। तो 100 − 31, तो एल वन और एल टू के साथ रिलेशन आ गया, एल वन इक्वस टू 69/31। और जो एल वन प्लस एल टू टोटल जो लेंथ है, यानी टोटल तो लेंथ ऑफ बेल्ट हो गया यानी 283। तो हियर वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ एल वन और एल टू एंड फाइंड आउट द एल वन एंड एल टू वैल्यूज दैट आर शोन इन फिगर। तो अपन यहाँ देख लेंगे कि एल वन की जो वैल्यू आई वो आई 195 एंड एल टू वैल्यू आई 85। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके आजकल इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत आ सकता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं एसेंट्रिक कनेक्शन की, ठीक है। एसेंट्रिक कनेक्शन की जैसे कि अपन वोल्टेड कनेक्शन के अंदर पढ़ा था, सेम उसी तरह से, ठीक है, एसेंट्रिक कनेक्शन की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो एसेंट्रिक कनेक्शन प्लेन मूवमेंट द प्लेन ऑफ बेल्ट। तो देखो आपको इस फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये एक कसेट प्लेट है, इसके ऊपर अपन ने ये प्लेट को कनेक्ट किया हुआ है, जैसे पहले अपन ने वोल्टेड कनेक्शन किया हुआ था, और यहाँ ई सेंट्रिसिटी बाद इसके ऊपर एक एक ई सेंट्रिसिटी ये जो है इसके बाद एक लोड लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो ई सेंट्रिसिटी बाद यदि पी लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, जैसे सेम अपन ने वोल्टेड कनेक्शन के अंदर किया था, तो इसके दो इम्पैक्ट पड़ेंगे, तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगा, भाई जितना भी थ्रोट थिकनेस का जो एरिया है, यानी कि अपना ये वेल्डेड का एरिया क्या है, ये वाला एरिया ही तो है जो अपन को वेल्ड करना है, ठीक है। तो इसको टोटल एरिया से डिवाइड कर दोगे तो वो तो हो जाएगा उसका डायरेक्ट एक्सियल लोड, ठीक है। उसके बाद शेयर वाला जो आएगा, तो शेयर वाले में अपन को निकालना पड़ेगा, जैसे कि अपन ने पहले डायरेक्ट जो फॉर्मूला लगाया था, डायरेक्ट वाला जो मैं बताता हूँ आपको, तो डायरेक्टली लेट द बेल्ट साइज टी है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, डी इज द डेप्थ ऑफ बेल्ट एंड बी इज द बेल्ट। तो देखो डी अपन को ये दिख रहा है और बी दिख रहा है अपन को ये, तो यानी कि टोटल लेंथ तो क्या हो गई, डी प्लस 2b, और थ्रोट थिकनेस का एरिया हो गया टी, तो टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया तो वो तो आ गया अपना q1। उसी तरह अपन को q जो निकालना है शेयर वाला, तो शेयर के लिए अपन क्या करेंगे, वही मोमेंट p dot e हो गया, जैसे उस क्वेश्चन के अंदर किया था r अपॉन, अब देखो पहले किया था अपन ने समेशन r स्क्वायर, तो उसकी जगह यहाँ लेना है अपन को izz। क्या लेना भाई, izz, यानी पोलर मोमेंट ऑफ एनर्जी अपन को यहाँ कंसीडर करना है। आर में क्या हो जाएगा, जैसे अपन इस बोल्ट की यहाँ cg निकाला, और cg से ये जो डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट के जो ऑर्डिनेट होंगे उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, ये r निकाल लेंगे, r मैक्स जो हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगेन अपन ने फॉर्मूला लगा देना है दोनों का, q1 q2 का स्क्वायर प्लस 2 q1 q2 cos थीटा, ठीक है। तो अब ये अपन को ये ट्राइंगल हो ही जाएगा अपना, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ, तो ये इसको अपन थीटा कर लेंगे, ये वैल्यू थीटा की हो जाएगी। तो ये अपन r फाइंड आउट कर ही लेंगे, यहाँ से ये अपन cg से निकाल लेंगे और ये पॉइंट अपन cg से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, सीधा ही क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो अब ये दिखाओ, डिटरमाइन द मैक्सिमम लोड कैन रेस्ट बाई द ब्रैकेट इज शोन इन फिगर, फ्लैट बेल्ट साइज इज 6 mm इफ द सार बेल्ट। तो अपन को साइज ऑफ बेल्ट दे दिया है, ठीक है, अपन को निकलवा है पी की वैल्यू, उसने अपन से कैलकुलेट करवाई। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है भाई, सबसे पहले अपन को थ्रोट थिकनेस निकालनी है टी, ठीक है। तो साइज ऑफ बेल्ट अपन दिया 6 mm, तो थ्रोट थिकनेस क्या होगी, 0.7। अपन को फ्यूजन एंगल के अकॉर्डिंग निकाले 90 डिग्री अपन मान के लिया, तो के की वैल्यू भी 0.7, तो 4.2। उसके बाद अपन को निकालना है टोटल एरिया, तो टोटल एरिया क्या होगा भाई, ये अपन को दे रखा है 320, ये दिखा है 140, यानी लेंथ निकाली पहले तो अपन ने, तो लेंथ तो क्या हो गई,
320 इंटू 40 इंटू 40, ठीक है, और इसने डायरेक्ट अलग अलग निकाला हुआ है, तो यानी इसका एरिया निकाला पहले, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला, तो थोड़ा देखने से लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपन को सीधा एरिया आ गया। उसके बाद देख, ड्यू टू सिमेट्री द सेंट्रल एक्सिस ऑफ एक्सिस मेड हाइट ऑफ द वर्टिकल, यानी कि इस एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्री, बिल्कुल ये देखा हुआ है जितना बेल्ट इधर है इतना बेल्ट इधर है, तो ये तो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग जितना हो गया, अब अपन को निकालना है इस एक्सिस के अकॉर्डिंग ये कितनी है सी जी। तो इसके लिए अपन सी जी निकालेंगे, सी जी के लिए फॉर्मल क्या होता है भाई, ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू अपॉन ए वन वाई टू, ठीक है। तो ये जो 360 है एक्स वाई जो सिमेट्री से अपने निकाला है, तो 140 इंटू 4.2, 140 इंटू 4.2 ये आ गया, तो ये तो कहाँ लाई करेगा इसके मिड पे, तो डायरेक्टली अपन ने 70 लिख दिए, ये मिड पे हो गया, ठीक है। इंटू प्लस अभी इसने यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है, तो इस इंटू क्या करना है पर 320 इंटू 4.6 और इसके डिस्टेंस बेस से, तो इसके अपन क्या है देखो ये क्या है बहुत ही, एक तो 320 हो गया, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, और इसका फिर एक और मल्टीप्लाई आपको उसका जो आधा आता है यानी कि 3 mm, तो वो क्या है डेटा बहुत ज़्यादा लेस होता है, तो उससे इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, तो अपन उस टर्म को क्या कर दिया है नेगलेक्ट कर दिया है और डायरेक्ट एरिया से अपन ने डिवाइड कर दिया। ऐसे आई एक्सिस जब अपन निकालेंगे, आई एक्सिस यानी कि इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो अपन क्या किया देखो इसके लिए 1/12 ये रेक्टेंगल हो गया ना 320 × 6 का 4.2 हुआ, तो 1/12 बी हो गया 4.2 एंड डी हो गया दिस। उसके बाद अपन निकालेंगे इस 140 की वजह से, तो 140 की वजह से देखो ये आएगा, 140 की वजह से आएगा वही मतलब 4.2 का क्यूब वाली टर्म भी आती है, यानी कि 1/12, देखो बी तो क्या हो गया यहाँ 140 इंटू 4.2 का क्यूब, ठीक है, ये वाली टर्म भी आती है, लेकिन अब देखो इसमें 4.2 mm है, ठीक है, यानी 4.2 × 10⁻³। अब इसका भी अपन ने क्यू कर दिया तो ये टर्म क्या बहुत ही नेगलिजिबल हो जाती है, तो इस टर्म को अपन ने यहाँ डायरेक्टली मेंशन नहीं किया हुआ है। फिर अपने लिख दिया ए एच स्क्वायर, तो एरिया तो क्या हो गया 140 × 4.2 और एच स्क्वायर, और तो एच डिस्टेंस कितनी है भाई 320 का हाफ यानी 160/2 इंटू वो दोनों साइड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता है, ऐसे अपन आई एक्स एक्स निकालेंगे, फिर अपन निकालेंगे आई वाई वाई, ठीक है, तो आई वाई निकालने के लिए वही अगेन दूसरे एक्सेस के अकॉर्डिंग 320 × 4.2, इसमें भी अपन ने क्या किया इसकी जो टर्म आएगी यानी 1/12 320 × 4.2 का क्यूब आता, ठीक है, तो उस वाली को अपन नेगलेक्ट कर दिया है, तो ऐसे अपन आई जेड निकालेंगे, आई एक्स एक्स और आई वाई दोनों ऐड किया। उसके बाद थीटा, तो डायरेक्ट ये जो ट्राइंगल बना था अपना, ये जो ट्राइंगल है इससे अपन निकालेंगे, ये अपन को पता है 160 वैल्यू है और ये जो वैल्यू है वो कितनी है टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक 140, तो 142 में से अपन ने किसको माइनस कर दिया 32 पॉइंट, तो ये दैट, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से थीटा आ जाएगा, और टोटल सेंट्रिसिटी जो आई वो देखो टोटल सेंट्रिसिटी जो आएगी वो क्या होगी भाई 240 यहाँ से दिया हुआ है, फिर अपन को 140 में से ये माइनस किया, तो ये जो सेंट्रिसिटी ये वाली सेंट्रिसिटी होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो अपन ने इसको भी सेंट्रिसिटी को भी कैलकुलेट कर लिया है यहाँ से 347 पॉइंट, तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्या हो गया पी इंटू 1000, ठीक है, अपॉन टोटल एरिया, यदि अपन न्यूटन किलोमीटर में तो अपन को यूनिट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, तो अपन को ये यहाँ से जो टोटल जो एरिया निकालना है अपन को वो होगा कितना पी इंटू 1000 अपॉन टोटल एरिया, टोटल एरिया होता है अपना टोटल, अभी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं ना बिल्ड का, ये जो है ठीक है वो यहीं से लिया हुआ है डायरेक्टली। उसके बाद क्यू टू पी, पी तो पी है अपन को पी फाइंड आउट करना है, पी डॉट ई ई एसेंट्रिसिटी हो गया, आर मैक्स की वैल्यू, आर मैक्स की वैल्यू अपन ट्राइंगल से इससे निकाल ही सकते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो 160 का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट दिस वैल्यू इज हियर, तो थीटा अपन ने निकाल लिया, सारी वैल्यू पुट कर दी, इसको यहाँ लग दिया। अब अपन को पता है कि कितना रजिस्ट कर सकते हैं, परमिशिबल स्ट्रेस कितनी होती है एफ एफ रूट 3 दिस इंटू एल डब्ल्यू थ्रॉ थिकनेस वाला एरिया जो होता है, ठीक है, तो इसको अपन इसके इक्वल कर देंगे और पी की वैल्यू आसानी से अपन फाइंड आउट करते हैं, तो इस तरह से अपन इसको और थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, और उसको समझ में नहीं आया मेरे को दोबारा मैसेज कर देना, ठीक है, धन्यवाद। अब वैसे तो ये कनेक्शन यहाँ ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट क्लास अपन डिस्कस करेंगे टेंशन मेंबर, ठीक है सर।